नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर ने अब दस्तक दे दी है और इसके साथ ही देश में कोरोना के मामलों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। हर रोज अलग अलग राज्यों से सैकड़ों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किया है। बता दें कि नए दिशा निर्देश ऐसे मरीजों के लिए जारी किए गए हैं जिनमें कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स यानी कि हल्के फुल्के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे कम से कम 7 दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखना होगा। इस दौरान अगर लगातार 3 दिन तक मरीज को बुखार नहीं आता है तो उसका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाएगा और उसे छुट्टी मिल जाएगी। होम आइसोलेशन खत्म होने पर दोबारा टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही मरीज का ध्यान रख रहे परिजनों के लिए भी गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। मरीज के पास जाते समय ट्रिपल लेयर N95 मास्क पहनने को कहा गया है। मास्क को हाथों से ना छुए। अगर मास्क गंदा या गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल लें। मरीज के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद हाथों को साबुन और पानी से 40 सेकंड तक अच्छे से धोए। मरीज को छूते समय ग्लव्स जरूर पहने। इस्तेमाल के बाद ग्लव्स और मास्क को पहले अच्छे से नष्ट कर दें और कम से कम 72 घंटों तक उसे एक पेपर बैग में रखने के बाद ही उसे फेंकें। हो सके तो मरीज से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वहीं अगर संक्रमितों की बात करें तो गृह मंत्रालय ने उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संक्रमितों को लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहने को कहा है। जैसे ही स्थिति खराब होती है तुरंत उसकी सूचना अपने डॉक्टर को दें। दवाइयां समय पर लेते रहें। इसके साथ ही संक्रमित सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर्स और पोर्टल पर जाकर भी मदद ले सकते हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़त हो रही है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों में मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने और कोरोना पर रोकथाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। बिहार सरकार ने भी कोरोना से बचाव के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ ही कुछ जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानों को 8 बजे तक बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान और धार्मिक स्थल को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।